के लिए, एक लेबर कार्ड के लिए लोग जाके कैसा जाएंगे उतनी दूर? क्या चौहान साहब जो है क्या बस का इंतजाम करेंगे पब्लिक के लिए, क्या गाड़ियां रखेंगे उन्होंने? दिस वीडियो स्पॉन्सर बाय श्री विजय लक्ष्मी सिल्क पापनाश गेट हिलेंड्री हॉस्पिटल नियर नेहरू स्टेडियम अल्बेक फैमिली रेस्टोरेंट अपोजिट गुरु नानक गेट यूनिट ऑफ TMK फूड कैफे जो जंकी एंड होप जस्ट हॉस्पिटल बिहाइंड नंदी पेट्रोल पंप। वेलकम टू मास मीडिया बिदर। सर एक सवाल है आपसे, वार्ड नंबर 2 के काउंसलर साहब हैं आप। DC ऑफिस यहाँ से हटा के कोलार लेक जाने की बात हो रही है। MLA रहीम खान साहब ने कहा है कि DC ऑफिस यहीं पर रहना चाहिए, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वार्ड नंबर 2 से बोल रहा हूँ मैं। जो है रहीम खान साहब परसों DC ऑफिस में जो मीटिंग थी उसमें अच्छी बात बोले, काफ़ी सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और जो है DC ऑफिस यहीं पर रहे तो बहुत बेहतर रहेगा। अब कुराड़ जाओ नौबाद जाओ बोले तो 200-300 रुपये खर्चा आता है एक साइन के लिए, एक लेबर कार्ड के लिए। लोग जाके कैसा जाएंगे उतनी दूर? क्या चौहान साहब जो है क्या बस का इंतज़ाम करेंगे पब्लिक के लिए, क्या गाड़ियां रखेंगे उन्होंने? बहुत तकलीफ होंगी इसमें। जो है ये यहाँ पे जो MLA साहब जो बोले हैं बात, हो हमारे बीदर के जो है बहुत करेक्ट बात है ये, और यहीं पे रहना चाहिए DC ऑफिस। लोगों की बहुत अच्छी सहूलत है, जाने आने के लिए आसानी है शहर के वास्ते। और जो है कुराड़ा में अगर डालेंगे तो बहुत तकलीफ़ होंगी, और हम जो है हमारे MLA साहब के साथ हैं, और जो है बिल्कुल जो है MLA साहब जो बोले करेक्ट है, हम उनकी ताइद में हैं। अगर कुराड़ा डालेंगे अगर DC ऑफिस तो हम जो है धरना देंगे, स्ट्राइक करेंगे, हम ओल्ड सिटी जो है बंद करेंगे इंशाल्लाह। हम जो है अब्दुल खालिक बागवान, वार्ड नंबर 2 काउंसलर।